For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। दोस्तों, फिल्म बाजीराव मस्तानी में भले ही रणवीर सिंह को उनकी मस्तानी एंड में ना मिल पाई हो, रामलीला में भी भले ही लीला ना मिली हो, पद्मावती में भी भले ही खिलजी को पद्मिनी के दर्शन ना हुए हो, लेकिन रियल लाइफ में रणवीर सिंह उड़ा कर ले गए हैं दीपिका पाडुकोन को। जी हाँ, रणवीर सिंह और दीपिका पाडुकोन जो कि वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल्स हैं, यानी दीप वीर, हाल ही में दोनों ने शादी की और शादी के बाद काफ़ी उन्होंने पब्लिक अपेयरेंसेस दिए हैं, लेकिन प्रोफेशनली फर्स्ट टाइम दोनों एज अ कपल एक साथ नजर आए स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में। जी हाँ, जो कि कल रात को हुए थे, मुंबई में हेल्ड हुए थे। वहां पर आप देखेंगे दोस्तों, रणवीर सिंह और दीपिका पाडुकोन पहली बात तो यू नो ऑफकोर्स एज हस्बैंड वाइफ दोनों एंटर हुए तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे और रणवीर सिंह कोई कसर नहीं छोड़ते दीपिका यानी अपनी बेगम साहिबा अपनी वाइफ को पीडीए मोमेंट में यू नो इन्वॉल्व करने का, इंडल्ज करने का। वहीं पर रणवीर सिंह जो कि नॉमिनेटेड थे बेस्ट एक्टर के लिए, उनको खिलजी के कैरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था, वहां पर रणवीर सिंह जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतते हुए नजर आए और दीपिका जो ऑडियंस में बैठी हुई थी उन्होंने दीपिका को एड्रेस करते हुए अपनी विनिंग स्पीच दी। जी हाँ, रणवीर सिंह इज जस्ट रियली अडोरेबल, अडोरेबल ही इज। जिस तरीके से रणवीर सिंह ने स्पीच दी है, उन्होंने कहा, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या स्पीच दी। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द अवार्ड। साथ ही साथ रणवीर सिंह जो है अपनी वाइफ दीपिका को एड्रेस करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि भले ही मुझे फिल्मों में मेरी हीरोइन ना मिली हो, लेकिन रियल लाइफ में मुझे मेरी हीरोइन मिल चुकी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 6 साल में, जी हाँ, उन्होंने अपने रिलेशनशिप का टाइम भी बताया, जब उन्होंने कहा कि 6 साल से दोनों एक दूसरे का डेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा 6 साल में अगर मैंने कुछ अचीव किया है तो वो आप हो, क्योंकि आपने मुझे ग्राउंडेड रखा। Aww, isn't that cute? That is of course cute, that is very sweet और very romantic of course। हर लड़की चाहती है कि उसको रणवीर सिंह जैसा हस्बैंड मिले, बॉयफ्रेंड मिले, एंड रणवीर सिंह इज जस्ट सो अडोरेबल। ही इज सेटिंग द बॉयफ्रेंड गोल्स। रणवीर सिंह अब तक बॉयफ्रेंड गोल्स डेफिनेटली सेट कर रहे थे, लेकिन अब सारे हस्बैंड्स को कॉम्पिटिशन है, सब लड़कों को कॉम्पिटिशन है, बिकॉज रणवीर सिंह अब हस्बैंड गोल्स भी सेट कर रहे हैं। और रणवीर सिंह साथ ही साथ यू नो एड्रेस करते हुए नजर आए दीपिका को, जहाँ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो भी अचीव किया है लाइफ में बिकॉज आपने मुझे इतना ग्राउंडेड रखा, आई लव यू दीपिका। साथ ही साथ दीपिका जो है ये सब सुनकर ऑफकोर्स बींग अ प्राउड वाइफ एंड ऑफकोर्स वो काफ़ी इमोशनल नजर आई, दीपिका रोती हुई भी नजर आई। ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, रणवीर कोई कसर नहीं छोड़ते दीपिका को स्पेशल फील कराने का, जो कि हर लड़की का सपना होता है ऑफकोर्स। और ऐसे में दीपिका थोड़ी सी इमोशनल नजर आई, जहाँ उनकी आंखों में थोड़े से आंसू भी थे, बट अदर देन दैट रणवीर सिंह is a gem person, is a gem husband all over, is a gem actor, तभी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में। पर जिस तरीके से रणवीर और दीपिका पीडीए करते हैं, ऑफकोर्स वो वाकई काबिले तारीफ है, फैंस के लिए बहुत अच्छा होता है, फैंस बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे मैं खुश हूँ। दोस्तों, आपका इस चीज पर क्या रिस्पॉन्स है, प्लीज मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताइए। ऑफकोर्स आप भी मेरी तरह खुश ही होंगे और हर लड़की चाहती है कि उसे रणवीर जैसा हस्बैंड डेफिनेटली मिले। तो जो भी लड़कियां यू नो मेरे इस वीडियो को देखकर ऐसा फील करती हैं, प्लीज वीडियो के नीचे कॉमेंट्स करो, मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ रही हूँ, क्या पता रणवीर भी आपके कॉमेंट्स पढ़ लें और आपको कुछ ना कुछ टिप्स तो वो लड़कों दे ही देंगे। एनीवेज, दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ रणवीर और दीपिका की जोड़ी आपको कैसी लगती है, उनको आप मैरिज विशेस देना चाहते हैं अगर, तो मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।